गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन योर फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर पेज नंबर 28 में है बच्चा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें 8 क्वेश्चन थे, वो हमने अपनी नोटबुक में कर लिए थे और यहाँ पर हमने चूज़ कर लिए थे जो सेम ग्रुप के नहीं हैं, जो अलग ग्रुप के हैं उनको हमने चूज़ किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास कुछ एक्सरसाइज है, जैसे मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर, नेम एनिमल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो वन बाय हम इनको फिल करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे है फिल इन द, सॉरी, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या है, एनिमल्स हैं और उनके होम हैं, तो हमने क्या करना है, इनको आपस में मैच करना है। जैसे आपको पता है एनिमल्स डॉग्स है, तो डॉग्स का होम कहलाता है कैनाल। फिश कहाँ रहती है, एक्वेरियम में। हॉर्सेस रहते हैं हमारे स्टेबल में। बफेलो रहती है हमारी शेड्स में। रैबिट रहता है हमारे पौरो यानी कि छेद में। और हेंस रहती है हमारे कॉप में। तो इस प्रकार से इनको मैच करेंगे। ओके, फिर आपका है फोर्थ वाला, टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग एस्टिमेट इन अ बॉक्स। आपको बॉक्स में सही और गलत भरना है। फर्स्ट है एनिमल्स मेक देयर ओन फूड। जानवर अपना खाना खुद बनाते हैं, तो नहीं, जानवर अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये रॉन्ग होगा। आपने इसमें पढ़ा था कि जानवर क्या हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि या फिर जानवर क्या खाते हैं, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, या वो प्लांट्स खाते हैं, जो पेट जानवर हैं उनको हम भोजन देते हैं। अ फ्रॉग सोलो इट्स फूड, स्लो इट्स फूड। यस, ये राइट है। यानी कि जो एक मेंढक होता है वो अपने खाने को, पूरे खाने को क्या कर लेता है, निगल लेता है। ना ही उसे चबाता है, ना ही उसे काटता है, वो पूरा खाना निगल लेता है। हॉर्सेस आर केप्ट इन अ कैनाल, इट्स रॉन्ग। हॉर्स कैनाल में नहीं रहते हैं, हॉर्स रहते हैं आपके स्टेबल में। बेबीज ऑफ गोट्स, पिग एंड काउ शक द मिल्क ऑफ मदर, देयर मदर। यस, जो बकरी के बच्चे होते हैं, सुअर के बच्चे होते हैं, काउ के बच्चे होते हैं, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं, चूसते हैं उसको। बियर इज़ अ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल। बियर जो भालू होता है, यस, वो दोनों ही होता है, यानी कि वो फ्लैश भी खाते हैं, दूसरे जानवरों को भी खाता है, मांस खाता है और पेड़ पौधों को भी खाता है। अब इसी प्रकार से आपको एग्जांपल देने हैं बच्चे, नेम एन एनिमल विच, जैसे गिव्स मिल्क। तो हमने यहाँ पे पिक्चर देख के देख रहे हैं, हमको गाय दूध किससे, कौन देती है, गाय। गिव्स एग हमको कौन देती है, हैन देती है हमको, ठीक है। लिव्स इन बोरो, छेद में कौन रहता है, होल में कौन रहता है, वो रहता है रैबिट, ठीक है। ईट्स ओनली प्लांट, जो केवल क्या खाता है, प्लांट्स खाता है, यानी कि हॉर्स। इज अ डोमेस्टिक एनिमल, जो डोमेस्टिक पालतू जानवर है वो है डॉग। ईट्स बोथ एंड प्लांट्स आर फ्लैश ऑफ डियर। तो यहाँ पे ये इस मिस्टेक हो रखी है, डियर, यहाँ पे आपका बियर आएगा, तो इसको सही कर दीजिएगा, बियर। स्लो इट्स फूड एज होल, तो स्नेक अपना खाना पूरा निगल लेती है। लिव्स इन अ डेन, डेन में कौन रहती है, लायन आपके डेन में रहती है। हैज़ ग्रोइंग टीथ, तो रैट्स के ग्रोइंग टीथ होते हैं, कुतरने वाले दांत होते हैं। चूज़ द कर्ड, तो चूज़ द कर्ड वाला जानवर आपका है काउ, ठीक है। यहाँ पे आप काउ, यहाँ पे आप बफेलो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया है सेम एग्जांपल शुड नॉट बी रिपीटेड, यानी कि एक एग्जांपल दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो हमने काउ यहाँ ऊपर भी लिख लिया था, तो यहाँ पे आप गोट भी लिख सकते हैं, गोट, और आप बफेलो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। जैसे हमारे पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमने उनको फिल करना है सुटेबल सेंटेंस में। फूड गिवस एनर्जी टू डोमेस्टिक एनिमल टू वर्क, यानी कि भोजन से जो पालतू जानवर हैं उनको भी एनर्जी मिलती है। हैंस आर कैप्ट इन कॉप, जो हैंस होते हैं, मुर्गे होते हैं, वो बाड़े में रहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉप कहते हैं। एंड अर्थ फॉर्म शक्स द सोयल, जो एक केचवा होता है वो मिट्टी में रहता है। एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स लैप अप द मिल्क, यानी कि जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, वो दूध को चूसते हैं, है ना। काउ एंड बफेलो आर कॉल्ड कर्ड च्यूइंग एनिमल, जो आपका भैंस हो गई या गाय हो गई, वो कर्ड च्यूइंग एनिमल्स कहलाती है। तो
आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा था, इसके बाद हमारे में प्ले वे एक्सरसाइज है, इसको आप खुद से करेंगे। ये हमने पहले भी कर रखा है, क्रॉस में एंड डाउन में, यानी कि क्रॉस और डाउन में। तो आपके पास जैसे क्वेश्चन है, पूछ रखा है एनिमल्स विच टीयर्स द फ्लैश ऑफ एंड देन चू इट, इनको आप लिखेंगे और इस प्रकार से ये आप फिल करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, ओके।